हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, तो हम लोग का जो भूगोल का जो प्रीवियस वीडियो था, मतलब पिछला जो वीडियो था वो था भारत के द्वीप। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है और पश्चिम बंगाल में कौन सा द्वीप है और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, हापीहर द्वीप कहाँ पे स्थित है, मिसाइल परीक्षण कौन से द्वीप पे होता है। तो ये हम लोगों ने द्वीप द्वीप के बारे में बहुत ही अच्छे और अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। तो जो भी लोग पहली बार एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई का चैनल जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने जियोग्राफी की जो लेक्चर हमारी थर्ड लेक्चर है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो हम लोग को आज का टॉपिक भारत की समुद्री सीमा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत की समुद्री सीमा और कौन सा तट सब भारत का समुद्री तट कौन सा सबसे बड़ा तट है, कौन सा सबसे छोटा तट है, पूरा जो तट है वो तट की जो समुद्री सीमा है वो कितनी कितने किलोमीटर में लगती है। भौगोलिक हम लोग भौगोलिक सीमा भी देखेंगे कि भौगोलिक सीमा कितने किलोमीटर के दायरे में आती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर भारत की समुद्री सीमा। देखिए 1982 के पहले भारत की कोई भी स्पष्ट समुद्री सीमा नहीं थी। क्या था कि 1982 के पहले भारत की कोई भी स्पष्ट समुद्री सीमा नहीं थी। तो क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होती है 1982 में। तो क्या क्या होता है कि जो समुद्री सीमा को लेकर कई सारे विवाद चलते रहते हैं। तो फिर क्या क्या है कि समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है। देखिए क्या होता है कि 1982 में यूएन की बैठक होती है, यूएन की बैठक होती है, इसमें समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है कि कैसे हम समुद्री सीमा किसी भी देश की समुद्री सीमा को कैसे निर्धारित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1982 में UNCLOC यूनाइटेड नेशन काउंसिल लॉ ऑफ सी। फिर देखिए 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेक्शन लॉ ऑफ सी, इसको शॉर्ट में UNCLOS बोला जाता है। तो क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई 1982 में और UNCLOS मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेक्शन लॉ ऑफ सी, इनकी बैठक हुई। तो एक्चुअली में समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया था तो कौन सी बैठक के द्वारा किया गया था, तो यूएनसी लॉ ऑफ सी इसके माध्यम से किया गया था। तो देखिए इसमें क्या था कि भारत की जो समुद्री सीमा बताई वो तीन लेयर में थी। समुद्री सीमा जो है वो तीन लेयर में होती है, पहला दूसरा और तीसरा। देखिए ये जो हमारा देखिए निर्धारित किया गया था, पहली तो सीमा होगी प्रायद्वीपीय सीमा होगी, प्रायद्वीपीय सीमा, दूसरा होगी संलग्न सीमा, थर्ड होगा हमारा अनन्य क्षेत्र। अब देखिए कितने किलोमीटर के दायरे में प्रायद्वीपीय सीमा आएगी, कितने किलोमीटर के दायरे में संलग्न सीमा आएगी, कितने किलोमीटर के दायरे में अनन्य सीमा मतलब अनन्य क्षेत्र, इसी को सीमा लिख लीजिए, ये आएगी। तो क्या हुआ कि देखिए जो भारत का जो तट है, आप लोग कभी भी देखेंगे तो जो भारत का तट है, तट मतलब ये वाला हिस्सा, ये क्या है कि काफी उबड़ खाबड़ का मतलब कि एक स्पष्ट रेखा में ऐसे नहीं है, ऐसे है कहीं पे, ऐसे है फिर ऐसे है। तो क्या हुआ कि एक आधार रेखा खींची जाती है, जैसे समुद्र की सीमा तट से होता है, तट से लिया जाता है ना। तो क्या होता है कि जो तट वाली रेखा है उसको एक आधार रेखा में पहले खींचा जाता है। आधार रेखा मतलब एक सीधी लाइन, जैसे तट समुद्र ऐसे है। तो क्या होता है कि जो समुद्री सीमा जो निर्धारित की जाती है, तो पहले तो आधार रेखा खींच जाती है। आधार रेखा मतलब ये इस खड़ी लाइन, मतलब कि जैसे यदि उबड़ खाबड़ है ऐसे, कोई किसी देश की राष्ट्र की सीमा है यदि ऐसे है तो उसको मिलाते हुए एक सीमा खींची जाती है ऐसे। तो आप लोग आधार इसको बोलते हैं आधार रेखा। तो
तो आप लोग सपन समझ गए होंगे आधार रेखा किसे बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय सीमा देखिए, ये वाली सीमा जो होती है 12 किलोमीटर के दायरे में होती है। मतलब प्रायद्वीपीय सीमा यदि बोला जाए तो प्रायद्वीपीय सीमा क्या होगी, प्रायद्वीपीय सीमा होगी आधार रेखा से बारह किलोमीटर है। मतलब कि ये जो आधार रेखा ये जो खींचा है इस आधार रेखा से, 12 किलोमीटर तक जो रेखा जो सीमा होगी वो कौन सी होगी, प्रायद्वीपीय सीमा होगी। देखिए प्रायद्वीपीय सीमा में भारत को उतना अधिकार होता है कि जितना इस भौगोलिक क्षेत्र में अधिकार होता है। मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्राधिकार के समान जो अधिकार होता है वो कहाँ पे होता है, तो प्रायद्वीपीय सीमा। यदि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का भौगोलिक क्षेत्राधिकार समुद्री सीमा की किस सीमा तक होता है, फिर सुनिए कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र के समान अधिकार समुद्र की किस सीमा तक होता है, तो होता है किस सीमा तक, तो प्रायद्वीपीय सीमा। ये वाली जो सीमा है ना ये आड़ी टेढ़ी नहीं होती है, ये एकदम सीधी स्पष्ट रेखा होती है ऐसे, क्योंकि आधार रेखा होती है ये इससे ऐसे, ये होती है 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर तो कौन है, ये कौन सी रेखा है, तो ये है प्रायद्वीपीय सीमा। देखा आपने प्रायद्वीपीय सीमा पूरा भूमिगत अधिकार होता है, भूमिगत अधिकार कौन सी सीमा तक होता है, तो प्रायद्वीपीय सीमा तक भूमिगत अधिकार होता है। अब आते हैं संलग्न सीमा में, तो ये आपका हो गया आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक, ये होगी आपकी प्रायद्वीपीय सीमा, सॉरी संलग्न सीमा। संलग्न सीमा जो होती है वो आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिए कि जो संलग्न सीमा होती है वो आधार रेखा से कितना किलोमीटर तक होती है, तो 24 किलोमीटर तक होती है। इसको आप लोग जो भी मैं बोलता हूँ उसको साथ साथ आप लोग नोट कर चलिए। तो संलग्न सीमा आपको समझ में आया, आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक होती है। अब संलग्न सीमा में कौन कौन से अधिकार है, देखिए तीनों सीमा तक हम लोग को अलग अलग अधिकार प्राप्त है। तो संलग्न सीमा में कौन से अधिकार है, देखिए प्रायद्वीपीय सीमा में मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय सीमा जो होती है आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक होती है। इस 12 किलोमीटर तक क्या होता है कि भारत के कितने जो भी अधिकार भौगोलिक क्षेत्र में होता है उसके समान अधिकार जो होता है 12 किलोमीटर तक। मतलब जितने प्रकार भौगोलिक सीमा में जितने भी हमें अधिकार प्राप्त, मतलब कि ये समझिए कि जितना अधिकार हमारा इस भूमिगत क्षेत्र में है उतना ही अधिकार जो हमारा है वो कहां तक है, तो प्रायद्वीपीय सीमा तक हमारा अधिकार है। अब संलग्न सीमा में कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो पहला है समुद्र सफाई का, समुद्री सफाई का अभियान, समुद्र की सफाई का अधिकार, अब देखिए इस सीमा के बाद यदि किसी भी देश का कोई भी शिप आता है भले वो आयात व निर्यात के किसी भी माध्यम से आता है, तो सीमा शुल्क जो लगता है वो यहां पे लगता है, तो सीमा शुल्क का अधिकार। तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त है, पहला कौन सा, समुद्री सफाई इस क्षेत्र तक 24 किलोमीटर तक जो समुद्र की सफाई कौन करेगा, तो भारत करेगा। मतलब जिस भी देश राष्ट्र की सीमा होगी वो करेगा, तो भारत यहाँ पे कौन है, भारत है। ये 24 किलोमीटर तक किसका किसका क्षेत्र है, तो भारत का क्षेत्र है, तो इस पर साफ सफाई का अधिकार किसका है, तो उसको भारत का अधिकार। यदि ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि भारत इस यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन करता है, साफ सफाई नहीं करता, तो ये जो यूएन है, यूएन इस भारत के खिलाफ क्या है, एक्शन भी ले सकती है, कई प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती है। तो आपने देखा कि पहला तो समुद्र की साफ सफाई का अभियान, दूसरा सीमा शुल्क, तीसरा वित्तीय अधिकार भी प्राप्त होता है, वित्तीय अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा कि समुद्री सीमा पहला तो देखा, प्रायद्वीपीय सीमा भूमिगत अधिकार प्राप्त होते हैं हमें, प्रायद्वीपीय सीमा तक क्या होता है हमें भूमिगत अधिकार प्राप्त होता है। संलग्न सीमा, संलग्न सीमा में क्या होता है कि तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि पूछा जाए कि संलग्न सीमा किस क्षेत्र तक आती है, तो आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक जो है
संलग्न सीमा लगी होती है। पहला समुद्र सफा साफ सफाई का अभियान, दूसरा है सीमा शुल्क वसूली, या फिर मान लीजिए यहाँ पे श्रीलंका का कोई शिप है, यदि वो इस सीमा को पार करते हुए जा रहा है कहीं दूसरे राष्ट्र में, या फिर कोई दूसरे राष्ट्र का शिप जो है वो आ रहा है, यहाँ क्या है कि सीमा शुल्क जो वसूलेगा तो कौन वसूलेगा, भारत। तो अगर तो कौन क्षेत्र तक, कौन से क्षेत्र तक, यदि कोई यदि यहाँ पे किसी भी देश का शिप इस संलग्न सीमा के अंदर से जाता है तो वहां पे सीमा शुल्क लगता है। तो हम लोग ने देखा प्रायद्वीपीय सीमा, दूसरा देखा संलग्न सीमा, अब तीसरा देखेंगे अनन्य क्षेत्र। इसको नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। तो हम लोगों ने देखा प्रायद्वीपीय सीमा, संलग्न सीमा, हम लोग देखते हैं अनन्य क्षेत्र। अनन्य क्षेत्र कौन से किलोमीटर, मतलब कितने किलोमीटर के दायरे में अनन्य क्षेत्र आता है? तो आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक कौन सा क्षेत्र आता है? तो अनन्य क्षेत्र आता है। अब अनन्य क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार प्राप्त है वो हम लोग देखेंगे। अनन्य क्षेत्र की सीमा में, सीमा तक कौन कौन से भारत को अधिकार प्राप्त है वो सब हम लोग देखेंगे। पहले तो आप लोग ये देखिए कि अनन्य क्षेत्र की कौन सी सीमा तक आता है, तो आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक कौन सा क्षेत्र आता है? तो आता है अनन्य क्षेत्र या अनन्य सीमा, इसे बोल रहे हैं। देखिए पहला जो अधिकार है तो वो है संसाधनों का दोहन, संसाधनों का दोहन का अधिकार। यदि इस क्षेत्र में, यदि इस पूरे क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक संसाधन निकलता है या खोज होती है तो उस पर जो अधिकार होगा तो पूरा का पूरा किसका होगा? भारत का अधिकार होगा, और किसी देश का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं हो सकता। जैसे सपोज यहाँ पे तेल, तेल के कुएं पाए गए, मतलब कि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक संसाधन पाया, प्राकृतिक संसाधन पाया गया यहाँ पे कि कहीं, मतलब ये 200 किलोमीटर की सीमा तक किसी भी क्षेत्र में, तो उस पर पूरा अधिकार किसका होगा? तो उस पर जो होगा तो पूरा अधिकार होगा भारत का अधिकार होगा, तो संसाधनों का दोहन। तीसरा है द्वीपों का निर्माण, देखिए इस 200 किलोमीटर तक, इस 200 किलोमीटर तक भारत क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार, मतलब कि किसी भी उद्देश्य के लिए यहाँ पे द्वीपों का निर्माण करवा सकता है। कौन से क्षेत्र तक? तो 200 किलोमीटर क्षेत्र तक। तो हम लोगों ने देखा कि द्वीपों का निर्माण कहाँ पे होगा, तो अनन्य क्षेत्र सीमा तक द्वीपों का निर्माण हो सकता है, संभव है, और भारत कर भी सकता है। और तीसरा मिसाइल परीक्षण, मिसाइल परीक्षण हुआ, मिसाइल परीक्षण हुआ लॉन्चिंग पैड, देखिए मिसाइल परीक्षण या लॉन्चिंग पैड भी बना सकता है। मिसाइल परीक्षण जैसे आपने देखा जो मिसाइल का जो टेस्टिंग होता है, मिसाइल का जो टेस्ट होता है वो कहाँ से होता है? तो हपीहर द्वीप से होता है। हपीहर द्वीप कहाँ पे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पे, उड़ीसा तट पे बना हुआ है। तो ये जो ये सब जो है हम लोगों ने द्वीपों के, द्वीप वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा है। यदि आप लोगों ने द्वीप नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो देखिए मिसाइल परीक्षण केंद्र व लॉन्चिंग पैड, अब देखिए लॉन्चिंग पैड भी हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉन्चिंग कहाँ से होती है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप से होती है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे बना हुआ है, ये तमिलनाडु होता है और ये आंध्र प्रदेश की सीमा यहाँ पे आती है, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे जो है तो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे उड़ीसा है, तो यहाँ पे हपीहर द्वीप है, हपीहर द्वीप, श्रीहरिद्वीप। तो यहाँ पे क्या है, हपीहर द्वीप से क्या होता है, तो मिसाइल परीक्षण होता है, और श्रीहरिकोटा द्वीप से क्या होता है, तो यहाँ पे लॉन्चिंग पैड है इसरो का, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि प्रायद्वीपीय सीमा तक किस क्या क्या अधिकार है, संलग्न सीमा तक कौन कौन से अधिकार है, अनन्य क्षेत्र तक कौन कौन से अधिकार है, ये हम लोगों ने देख लिया। हम मतलब हम लोग की जो समुद्री सीमा है वो समाप्त, मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देखिए फिर से एक बार देखिए, 1982 तक भारत की कोई भी स्पष्ट समुद्री सीमा नहीं थी। 1982 में यूएन की बैठक होती है, यूएन की बैठक होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी अब होती है। तो 1982 में पूछा जा सकता है कि भारत की समुद्री सीमा का स्पष्ट निर्धारण कब किया गया,
तो 1982 किसके माध्यम से किया गया, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी। ये सब आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसमें क्या क्या चीजों को क्या क्या कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया। तो भारत की जो होगी 3 लेयर में समुद्री सीमा होगी। पहली सीमा होगी प्रायद्वीपीय सीमा, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक। संलग्न सीमा आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक। फिर अनन्य क्षेत्र सीमा आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक। तो ये सब हम लोगों ने देखा। अब देखिए प्रायद्वीपीय सीमा में कौन कौन से अधिकार है, तो भूमिगत अधिकार प्राप्त है हमें कहा, भूमिगत अधिकार मतलब भूमि के समान अधिकार प्राप्त है कहां तक, तो प्रायद्वीपीय सीमा तक हमें अधिकार प्राप्त है। संलग्न सीमा तक हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो सीमा शुल्क वसूली का वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार प्राप्त है, वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो ये हम लोगों ने संलग्न सीमा भी स्पष्ट रूप से भी देखा तो थोड़ी देर पहले। अब तीसरा अनन्य क्षेत्र, अनन्य क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो लिखा हुआ पहला हो गया कि संसाधनों का दोहन, यहाँ पे यदि किसी प्रकार का प्राकृतिक संसाधन यदि मिलता है तो उस पर पूरा हक किसका होगा, तो पूरा हक भारत का होगा। दूसरा है द्वीपों का निर्माण, भारत इस 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा मतलब कि अनन्य क्षेत्र तक, अनन्य क्षेत्र तक भारत क्या कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, मिसाइल परीक्षण और लॉन्चिंग पैड बना सकता है। यहाँ पे 200 किलोमीटर तक किसी प्रकार का मिसाइल परीक्षण और लॉन्चिंग पैड बना सकता है। तो ये था हमारा समुद्री सीमा। ये जो सेम यहाँ पे कंडीशन होता है, ये ऐसे आती है, ये रेखा ऐसे मिलती है। प्रायद्वीपीय सीमा, प्रायद्वीपीय सीमा से ये थोड़ा श्रीलंका को हटा देता हूँ मैं, ये यहाँ से एक्चुअली 12 किलोमीटर बहुत छोटा होता है, मैं बताने के लिए आपको बड़े से बता रहा हूँ कि 200 किलोमीटर तक ये ऐसे आती है। तो आपने समझ गया कि प्रायद्वीपीय सीमा, संलग्न सीमा, अनन्य क्षेत्र कैसे फॉलो होता है। चलिए अब देखते हैं समुद्री तट, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं मिटाता हूँ। आप लोग ऐसे डायग्राम जो बनाएंगे, जो पढ़ते हैं आप लोग, नोटबुक बनाते हैं उसमें अच्छे से बनाएगा कि आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक कौन सी सीमा, प्रायद्वीपीय सीमा, संलग्न सीमा 24 किलोमीटर तक, आधार रेखा से और अनन्य क्षेत्र 200 किलोमीटर तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बनाइए पहले फिर आप लोग वहां पर पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने भारत की समुद्री सीमा को देख लिया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है, हम लोग देख रहे हैं तट। हम लोग बहुत ही 10 मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तटों को देखने में, शॉर्ट में हो जाएगा। देखिए जो भारत का जो सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये एग्जाम में पीएससी में अक्सर पूछा जाता है, एमपीपीएससी में पूछा गया, यूपीपीएससी में पूछा गया। तो देखिए जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी या यूपीएससी में, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो पूछा गया है कि समुद्री सबसे, भारत की सबसे बड़ी समुद्री रेखा मतलब समुद्र के तट में बसा हुआ सबसे बड़ी समुद्री तटीय राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, गुजरात है सबसे बड़ा तट, क्या हो जाएगा, गुजरात सबसे बड़ा तट, तो कौन सा है, गुजरात है। ये यहां तक ये पूरा ऐसे जाता है, ये पूरा ये यहाँ तक क्या है, समुद्र है, कौन सा समुद्र है, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। और यहाँ पे कौन सा तट है, सॉरी यहाँ पे कौन सा समुद्र है, तो वे बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और यहाँ पे कौन सा है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कौन से महासागर में है, पूछ सकता है, पूछा तो नहीं गया, पूछ सकता है कि जो लक्षद्वीप है कौन से महासागर में है, तो हिंद महासागर में है। तो देखिए सबसे बड़ा तट कौन सा है, गुजरात, फिर आता है गुजरात के बाद, ऐसे गुजरात के बाद फिर कौन सा आता है, तो गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, गुजरात फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर थर्ड में तमिलनाडु, तमिलनाडु की यदि स्थिति बताया जाए तो ये तमिलनाडु की स्थिति है, ये आंध्र प्रदेश की स्थिति, ये पहले क्या है तेलंगाना जुड़ा हुआ था आंध्र प्रदेश से, 2014 में पृथक हुआ है। तो ये सब चीजें क्या आपको पता होनी चाहिए, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये अपना क्या है, गुजरात है। तो देखा हम लोगों ने सबसे जो बड़ा तट है वो कौन सा तट है, तो गुजरात का तट है। फिर क्या है, गुजरात के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एकदम फर्स्ट, सेकंड में आंध्र प्रदेश, थर्ड में तमिलनाडु। अब देखिए सबसे छोटा तट कौन सा है, ये गुजरात यहाँ तक आता है ऐसे, गुजरात के बाद क्या आता है, लग जाता है यहाँ पे
महाराष्ट्र लग जाती है ऐसे थोड़ा, ये क्या है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये क्या है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या है, महाराष्ट्र के बाद क्या लग जाता है, तो ये गुजरात, ये गुजरात नहीं गोवा, महाराष्ट्र के बाद क्या है गोवा, और फिर गोवा से लगा हुआ क्या है तो कर्नाटक है, और फिर कर्नाटक के नीचे क्या है, कर्नाटक के नीचे केरल है। तो जो अगर पूछा गया कि सबसे छोटा तट कौन सा है, सबसे छोटा तट कौन सा है, गोवा। तो भारत का सबसे छोटा तट कौन, तो तट कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा तट है गोवा। तो इतनी सी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें, क्या है ये सब छोटे छोटे चीजों से क्या क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब देखिए समुद्री भारत की कुल समुद्र मतलब कि कुल जो भौगोलिक सीमा है वो कितने किलोमीटर की है। अब देखिए समुद्र को हम लोग अलग पढ़ेंगे, समुद्री सीमा कितने किलोमीटर तक मतलब कितने किलोमीटर की है, और जो अपना भौगोलिक सीमा है ये भूमिगत सीमा वो कितने किलोमीटर की है। तो देखिए भारत की सीमा, इसको मैं बता देता हूँ फटाक से नोट करिए इसको। देखिए भारत की सीमा, भारत की सीमा लोगों ने समुद्री सीमा कैसे निर्धारित होती है वो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है, भारत की भूमिगत सीमा कितनी लंबी है, वो सब हम लोगों ने अभी नहीं देखा, तो वो सब हम लोग देखते हैं। भारत की भौगोलिक सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर लंबी है, मतलब ये जो किलोमीटर का मतलब समझिए कि यहां से लेके ये क्षेत्र, ये इधर से आ रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर यहां से क्या पश्चिम बंगाल से समुद्र चालू हो जाता है, तो यहाँ तक कि यहां से लेके ये यहाँ छत तक का क्षेत्र जो है कितने किलोमीटर का है, तो कितने किलोमीटर का है, तो 15,200। तो भारत की भूमिगत सीमा, भारत की भूमिगत सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, 15,200 किलोमीटर लंबी है। अब भारत की समुद्री सीमा, भारत की भूमिगत सीमा 15,200 किलोमीटर है, और तो भारत की जलीय सीमा, भारत की तो जो भारत की जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा कितने किलोमीटर है, भारत की जलीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है, तो 7,516। भारत की जलीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है, तो 7,516। इसमें देखिए ये जो द्वीप ये सब भी शामिल है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप शामिल है, ये सबकी सीमा मिला के 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर लंबी है। अब यदि द्वीपों को छोड़ दिया जाए, यदि द्वीपों की सीमा को छोड़ दिया जाए, मतलब द्वीपीय सीमा को यदि छोड़ दिया जाए, तो बिना द्वीपीय सीमा के, बिना द्वीपीय सीमा कितना है, 6,100 किलोमीटर लंबी है। तो हम लोग देखा भारत की जो भूमिगत सीमा है, भारत की भूमिगत सीमा कौन सी है, भारत की भूमिगत सीमा जो है 15,200 किलोमीटर, भारत की जो जलीय सीमा है 7,516, अच्छे से लिख देता हूँ, 7,516 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की समुद्री सीमा, भारत की जो कुल भौगोलिक सीमा है, कुल भौगोलिक सीमा में क्या क्या आ जाता है, कुल भौगोलिक सीमा में आ जाता है आपका भूमिगत सीमा भी आ जाएगा, जलीय सीमा भी आ जाएगा। तो भूमिगत सीमा में यदि पूछा गया तो आप 7,516 और 15,200 किलोमीटर को, 7,516 15,200 किलोमीटर को आप लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कुल भौगोलिक सीमा। यदि भूमिगत सीमा पूछा जाए, यदि भूमिगत सीमा आ गया तो भूमिगत सीमा कौन सा टिक करेंगे, तो 15,200 किलोमीटर। यदि भारत की जलीय सीमा आ गया, तो भारत की यदि जलीय सीमा आ गया तो क्या टिक करेंगे आप लोग, 7,516 किलोमीटर। यदि बिना द्वीपों के, ये इसमें द्वीप भी शामिल, ये देखिए ये द्वीप है, देखिए भारत का मैंने बताया था, द्वीप वाले चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैंने बताया था भारत के कुल द्वीप जो है वो यहाँ पे 204 है, यहाँ पे 43 है, तो कितना हो गया 247। तो भारत के कुल द्वीप कितने हैं, जो 247 द्वीप है, जो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट द्वीप थे मैंने उसको कराया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे न्यू मूर द्वीप था, हपीहर द्वीप था, पंबन द्वीप था,
और अलियापेट द्वीप था यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे कच्छ में, कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज भारत के द्वीप वाला चैप्टर जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो वेस्ट बंगाल में कितने द्वीप हैं, तो 204, हिंद महासागर में 43। तो भारत मतलब है तो वैसे हजारों में, लेकिन भारत के अधिकांश क्षेत्र में कितने आते हैं, तो भारत के अधिकांश क्षेत्र में 204, 43 कितने हुए, 247। 247 द्वीप है भारत के अधिकांश क्षेत्र में आते हैं। तो ये सब हम लोगों ने द्वीप वाले चैप्टर में पढ़ा, अगर नहीं देखा तो प्लीज इसको आप लोग देखिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भारत की जो भूमिगत सीमा है 15,200 किलोमीटर, भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर, बिना द्वीपीय सीमा के, बिना द्वीपीय सीमा के किलोमीटर कितनी है, 6,100 किलोमीटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको डिस्कस करना जरूरी भी था। तो आप लोग ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं, पीसीएस में हो गया, चाहे यूपीएससी में हो गया, या फिर जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो ये सब चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछी जाती है कि भारत में सबसे लंबा तट कौन सा है, तो गुजरात के तट, सबसे छोटा गोवा, तो ये सब चीजें क्या है, छोटी छोटी चीजें ये सब पूछी जाती है। तो आप लोग यदि इसको जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ, अगर उसको नोट करते जाते हैं, तो आपको एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा, जिससे क्या एग्जाम के पहले रिविजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम लोग का जो लेक्चर था वो आज यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देखिए, भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे होता है, भारत के तट देखे कौन सा सबसे लंबा तट है, तो पहला जो सबसे लंबा है वो कौन सा है, गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है गोवा है। तो ये सब क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग एकदम ध्यान से, मैं जो भी बोलता हूँ उसको ध्यान से देखिए, उसको नोट्स बनाते चलिए, आगे बहुत काम आएगा, एग्जाम के पहले रिविजन करने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, जो हम लोग का भूगोल तो चल ही रहा है, साथ में साइंस का भी लेक्चर चल रहा है, जो साइंस का लेक्चर नहीं देखा वो साइंस का भी लेक्चर देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट तक पढ़ लिया है, साथ में हम लोग का अल्लग से विविध का चैप्टर भी चल रहा है, अभी तक विविध में हम लोगों ने बाघ आकलन रिपोर्ट पढ़ लिया है, तो उसमें बहुत कुछ चल रहा है। तो जो भी लोग पहली बार हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड है साइंस की, भूगोल की। तो आप लोग यदि नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में एके एस अकेडमी फॉर सीएसई में अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।